हेलो फ्रेंड्स, सविताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खड़ी मसूर की दाल, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आइए स्टार्ट। खड़ी मसूर की दाल बनाने के लिए हमें 2 से 3 बड़े टेबल स्पून ऑयल लगेगा, 8 से 10 लहसुन की कलियां जो कि मैंने बारीक काट ली हैं, हरी मिर्ची 8 से 10 जो मैंने बारीक काट लिया है, प्याज 3 से 4 बड़े, इसमें प्याज का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, धनिया टेस्ट में काफ़ी अच्छा होता है और सुंदरता भी बढ़ती है, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 नींबू का रस, नींबू का रस ना हो तो इमली या फिर अपन कच्चा आम भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाला, जीरा हींग जो कि मैंने मिक्स कर लिया है। चलिए मैंने कढ़ाई ले ली है, मैंने गैस पर चढ़ा लिया है, मैं गैस ऑन करूँगी। इसमें मैं तेल डालूँगी, मेरा तेल गरम हो रहा है, अब अच्छे से तेल गरम हो गया है। इसमें मैं हींग और जीरा डालूँगी, लहसुन, हरी मिर्ची, और जो मैंने बड़े प्याज काट के रखे हुए थे वो, अब इसे हम चला देंगे, 3 से 4 मिनट इसे हम चलेंगे, बीच बीच होने से चलाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज जल ना जाए। अब 3 मिनट हो गए हमारी प्याज को, प्याज भी अच्छी तरीके से तल गई है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच मिलाएंगी, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मसाला देखिए हमारा भून रहा है, 1 से 1.5 मिनट तक हम मसाला भूनेंगे। मसाले में से तेल निकल आया है, यानी कि मेरा मसाला अच्छी तरीके से भून गया है, और इसमें हम गर्म मसाला डालेंगे, और इसे और मैंने कुछ पत्ते करेंगे वो डालेंगे, क्योंकि मसाले में धनिया से और टेस्ट आया था वो डालेंगे। ये हमारी दाल है जो मैंने पहले इसे उबाल ली है इसको, और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच घी डाला था। अब इसे हम इसमें ऐड कर देंगे, अब इसे हम मिलाएंगे अच्छी तरीके से, इसमें मिला लेंगे जी। अभी हमारी गाढ़ी है, इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करना, ये दाल मैंने इस तरीके से रखी है क्योंकि ये जल्दी गाढ़ी होती है, इसे हम 3 से 4 मिनट उबालेंगे। दाल को हम बीच बीच चलाते रहेंगे ताकि दाल हमारी चिपक ना जाए। अब हमारी दाल में उबाल आ गया है, इसको हम 1 मिनट के लिए और उबाल लेते हैं, थोड़ी सी कड़वी लग रही है मुझे। अब हमारी दाल अच्छी तरीके से उबल गई है, अब इसमें हम नींबू का रस ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे, धनिया पत्ते डाल देंगे, इसे मिक्स कर देंगे, इसे हम सजा लेंगे, डेकोरेट कर लेंगे।
ये लीजिए मेरी 5 मिनट में ढाबे जैसे स्टाइल में दाल रेडी है।